Hello students, today I am here with a new poem, Crying, from your textbook Marigold. That it is from unit 4. Students, this poem has been written by Galway Kinnell. He was an American poet and he wrote so many poems for children. He was a great winner of Pulitzer Prize and National Book Awards. Students, in this poem, he speaks through a child. So let me explain here. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. In these two lines, poet says as a child, ki rona. Lekin thoda rona, uska koi fayda nahi hota. तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक कि तुम्हारा तकिया गीला ना हो जाए. देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. और उसके बाद तुम अपने आंसुओं के शावर में ही नहा सकते हो. रोते रोते तुम शावर भी ले सकते हो और पानी को इधर उधर बिखेर सकते हो. स्प्लैश किसकी साउंड होती है बेटा? जब आप वाटर को इधर उधर थ्रो करते हो शावर लेते हुए, तो वो साउंड स्प्लैश होती है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. इन हियर द पोएट सेज एज अ चाइल्ड, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा हा हा. एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हा हा सिंग बैक. इन दीज लाइन्स पोएट सेज थ्रू द चाइल्ड, क्या कहता है वो बच्चे के द्वारा, कि तुम बहुत ज़्यादा रोने के बाद अपनी खिड़की पर जाओ और उसे खोल दो और उसके बाद हंसो जोर जोर से, हा हा करके. और अगर लोग कहें कि वहाँ ऊपर क्या हो रहा है, फिर से तुम हंस पड़ो, हा हा. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा हा. और अंत में आप क्या कहोगे, अरे ये तो मेरा खुशी का अंतिम आंसू था जिसे मैं छिपा रहा था, और लेकिन आई वेप्ट इट, ये छलक पड़ा, हा हा. ये और फिर से लाफ करो. टू सम अप, द पोइट वांट्स टू टेल अस दैट देर इज ऑफ नो यूज ऑफ क्राइंग अ लिटिल बिट. यू मस्ट क्राई अलॉट टू गेन समथिंग. इफ यू वांट टू गेन हैप्पीनेस, यू मस्ट क्राई अलॉट. क्योंकि रोने के बाद और ज़्यादा आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, उसके बाद खुशी आपको महसूस होती है. देन यू आर टू गो टू योर विंडो एंड ओपन इट, थ्रू यू आर टू थ्रो इट ओपन, एंड आफ्टर दैट यू आर टू लाफ लाउडली. एंड वेन एवर पीपल मॉक व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, देन यू आर टू से दैट इट वॉज माई लास्ट ईयर ऑफ हैप्पीनेस. यानी ये तो मेरी खुशी का अंतिम आंसू था जिसे मैंने क्या कर दिया, आई वेप्ट इट आउट, मैंने उसे हटा दिया, रोके यानी छलक, मेरी आंखों से छलकने के बाद ये गायब हो गया, हा हा. और फिर से आपको हंसना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर आई हैव सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स फ्रॉम दिस पोएम. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सोक्ड, सोक्ड मीन्स कम्प्लीटली वेट, यानी पूर्ण रूप से गीला. वेप्ट, वेप्ट मीन्स क्राइड, यानी रोया. स्प्लैश यानी वॉश, यानी धो देना. शावर, शावर मीन्स बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव. यानी शावर कैसे होता है, जब आप बाथरूम में जाते हो और ऊपर वाले टैप से जब अपने ऊपर पानी डालते हो तो वो पानी बिखर जाता है, स्प्रे हो जाता है, तो उसे हम शावर कहते हैं. नेक्स्ट हाइडिंग, हाइडिंग मीन्स पुटिंग समथिंग आउट ऑफ साइट, यानी किसी चीज़ को नज़र से हटा देना, छिपा देना. ठीक है, नाउ हियर आर क्वेश्चंस, यू आर टू डू देम इन योर नोटबुक, नॉट इन योर नोटबुक, यू आर टू डू इन योर टेक्स्ट बुक. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लोट.
पोइट के अकॉर्डिंग तुम्हें कितना रोना चाहिए, ज़्यादा रोना चाहिए या कम? योर आंसर शुड बी लाइक दिस, वी शुड क्राई अलॉट, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए. नेक्स्ट, वट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अलॉट, बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हो? देखो बच्चे, इस पोइम में पोइट ने क्या कहा कि तुम्हें इतना रोना चाहिए कि तुम्हारा पिलो गीला हो जाए, तकिया गीला हो जाए. तो यहाँ कहता है कि बहुत ज़्यादा रोने के बाद तुम क्या करोगे? योर आंसर शुड बी लाइक दिस, वी कैन लाफ ऑन द विंडो, हम खिड़की पर जाकर जोर जोर से हंस सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इन द इज़ द मूड. फर्स्ट टू लाइन में कैसा मूड है बच्चे का? हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस. यस, करेक्ट आंसर इज सैड. सो यू आर टू डू द सर्कल, द वर्ड सैड. नेक्स्ट, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स मूड ऑफ द पोइट हैज चेंज. लास्ट की लाइन्स में पोइट का मूड चेंज हो गया है. वट इज़ इट नाउ? वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड, जेलस. यू मे टेक अप ऑन वेरी हैप्पी, बट यू आर टू डू सर्कल द वर्ड चीयरफुल. चीयरफुल मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, दैट इज़ कॉल्ड चीयरफुलनेस. यानी जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो उसे क्या कहेंगे हम? चीयरफुलनेस. सो हेयर इज वर्ड चीयरफुल, देन यू आर टू डू सर्कल इट. नेक्स्ट, आर दिस सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत? फर्स्ट वन, द पोइट सेज दैट यू मस्ट नॉट क्राई मच. पोइट कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए. रॉन्ग, ही सेज वी मस्ट क्राई अलॉट. ओके, नेक्स्ट, द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. कवि कहता है कि तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तुम्हारा तकिया ना गीला हो जाए. यस, इट इज़ करेक्ट फ्रॉम द पोइम, सो पुट टिक मार्क हियर. नेक्स्ट, द पोइट सेज दैट आफ्टर डूइंग यू आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी. यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सो पुट टिक मार्क हियर. यानी पोइट क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा रोने के बाद तुम्हें खिड़की पर जाना चाहिए और ज़ोर से हंसना चाहिए ताकि लोग तुम्हें देखें कि तुम कितने खुश हो. ये सही बात है, इसलिए आप यहाँ टिक मार्क करेंगे. द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. इस पोइम में कवि कहता है कि तुम्हें खिड़की खोल कर लोगों को ये बताना चाहिए कि तुम रो रहे हो. नो, देर इज़ नॉट सच एनी मैसेज फ्रॉम द पोइम, सो यू हैव टू पुट क्रॉस मार्क हियर. हियर इज अ टाइटल, लेट्स टॉक. स्टूडेंट्स, यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, यू हैव टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स और ब्रदर्स और सिस्टर्स आल्सो. एंड योर क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, वेयर डू यू क्राई, तुम कहाँ रोते हो? वट आर द थिंग्स That make you cry, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें रोने को मजबूर करती हैं? Can you cry when you are happy, क्या तुम खुश होने पर भी रो सकते हो? ये सब किससे पूछोगे आप? अपने फ्रेंड से या भाई बहन से, ब्रदर या सिस्टर, किसी से भी. Which are the things that make you happy, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें खुश करती हैं? In what ways do you show your happiness, और तुम अपनी खुशी कैसे दिखाते हो? Next, say aloud. You are to speak loudly these words as I am speaking for you. Dash, bash, splash, cash, steer, tear, clear, dear, sha, pa, ta, fla, ma. Next, poked, croaked, soaked, stoked, joked. Next, wept, kept, crept, leapt, slept. Okay, students. Now you are to try to make new words by adding NESS to the adjectives. यानी इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या है, हैप्पीनेस एक वर्ड दिया है. द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन NESS. ये NESS से ख़त्म होता है एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी, और ये हैप्पी वर्ड से आया है. यू आर टू राइट 3 मोर वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे एंड Which words do they come from?
अवेयर के साथ में एन ई एस एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अवेयरनेस, दैट मीन्स जागरूकता. नेक्स्ट काइंड के साथ एन ई एस एस होगा तो क्या बन जाएगा, काइंडनेस, दैट मीन्स दयालुता. नेक्स्ट पोलाइट के साथ में एन ई एस एस लगाने पर क्या होगा, पोलाइटनेस बनेगा, और जिसका मतलब होता है विनम्रता. ओके बेटा, नाउ लेट्स राइट अंडर दिस टाइटल हेयर यू आर टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपको फिल कर देना है. फर्स्ट वन, द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटिफुल ताजमहल. हेयर आर थ्री वर्ड्स, अमेज्ड, शॉक्ड, वरीड. यात्रीगण सुंदर ताजमहल को देखकर क्या हुआ उनको, अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स अचंभित होना, शॉक्ड मीन्स सदमा लगना, वरीड मीन्स चिंता करना. सो करेक्ट आंसर इज अमेज्ड, यानी सभी यात्रीगण सुंदर ताजमहल को देखकर अचंभित हो गए थे. नेक्स्ट, द लाइट्स वेंट आउट सडनली, अचानक से लाइट चली गई. आई वॉज अलोन एंड डैश. हेयर आर थ्री वर्ड्स, वरीड, शॉक्ड, फ्राइटन्ड. वरीड मीन्स चिंतित होना, शॉक्ड मीन्स सदमा लगना, फ्राइटन्ड मीन्स डर गया. कहते हैं कि लाइट चली गई थी और मैं अकेला था, और बट विल यू राइट या फ्राइटन्ड, यानी डर गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वॉ डैश अनहैप्पी, वरीड, एंग्री. हेयर आर थ्री वर्ड्स, यानी वह काफ़ी लंबे समय से बीमार था और उसके पेरेंट्स उसके लिए क्या थे. अनहैप्पी मीन्स होता है नाखुश होना, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना, एंग्री मीन्स होता है नाराज होना. सो करेक्ट आंसर इज हेयर वरीड, राइट हेयर वरीड. नेक्स्ट, द शॉपकीपर वॉज डैश वैन ही सा हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग. जो दुकानदार था उसने अपनी सेफ को यानी तिजोरी को खुला पाया जिसमें से सारा धन गायब था, वो क्या हो गया, अनहैप्पी, उदास, शॉक्ड, सदमा लगा, एंग्री, नाराज हो गया. करेक्ट आंसर इज शॉक्ड. सो यू आर टू राइट हेयर शॉक्ड. नेक्स्ट, क्रिएटिंग राइटिंग. ये बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है एंड यू कैन डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, यानी अपने एक्सपीरियंस को, जो कि कोई खुशी का भी हो सकता है, एक्साइटमेंट का भी हो सकता है और सरप्राइज का भी हो सकता है, किसके साथ में हुआ, विद होम मीन्स किसके साथ आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया, किसके साथ आप थे उस वक्त जब ये आपने एक्सपीरियंस लिया. व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, व्हाई, क्यों हुआ, वेयर और कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके आपको यहाँ राइट कर देना है. दैट वॉज ऑल अबाउट द पोएम क्राइंग एंड आई थिंक यू हैव गॉट इट वेल. सो स्टूडेंट्स, यू आर टू राइट वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक एंड डू ऑल द एक्सरसाइजेस इन योर बुक्स. वी विल मीट सून विद अ न्यू लेसन ऑफ यूनिट 4. टिल देन स्टे सेफ, फिट एंड हेल्दी एट योर होम्स. बाय.